हे गाइस, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और गाइस, मैं आज आपको ऐसे टॉप 5 शॉर्टकट्स बताने वाला, फाइनल कट प्रो के बेसिकली, कि आपने देखे नहीं होंगे पहले या फिर आपको यहां पे डेली यूजेस में, आप अगर वीडियो एडिटर हो और फाइनल कट प्रो यूज़ करते हो बेसिकली, तो आपको बहुत ही यहां पे ये यूजेबल रहेंगे, क्यों जो सिंपल जो शॉर्टकट्स रहते वो ला के लाया हूँ बेसिकली आपके लिए। क्योंकि आप अगर हार्ड अगर शॉर्टकट्स चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो बेसिकली, अगले वीडियो पार्ट 2 बना दूंगा मैं। ये फर्स्ट शॉर्टकट से शुरुआत करते हैं बेसिकली, तो उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज़। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट शॉर्टकट है बेसिकली फाइनल कट प्रो का बेसिकली, तो वो है बेसिकली JKL बेसिकली। और गाइस, JKL का जो शॉर्टकट है वो बेसिकली क्या है ना, कि आप अगर J प्रेस करते हो तो वो रिवर्स में आपके टाइमलाइन पर रिवर्स चलेगा बेसिकली आपकी टाइमलाइन, और यहाँ पे के अगर प्रेस करते हो तो बेसिकली वो पॉज हो जाएगा उस टाइमलाइन पे, पॉज हो जाएगा बेसिकली। और गाइस, येल अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो फॉरवर्ड में चलने लग जाएगा, और आप जितनी बार जे को प्रेस करोगे उतनी बार ही यहाँ पे रिवर्स में चले जाएगा 1x 2x में, जैसे कि स्पीड अप हो जाएगी बेसिकली। सेकंड शॉर्टकट की बात करें तो वो है बेसिकली, वो ट्रिमिंग के लिए आपके काम आ सकती है, क्योंकि शॉर्टकट जो फाइनल कट प्रो में, यहाँ पे फाइनल कट प्रो में बेसिकली आप अगर ट्रिमिंग करना चाहते हो तो गाइस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लेफ्ट ब्रैकेट या फिर राइट ब्रैकेट पे, दोनों ही ब्रैकेट पे यहाँ पे प्रेस करते हो ऑप्शन प्लस ब्रैकेट बेसिकली। आप अगर ऑप्शन प्लस लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करते हो तो आपके टाइमलाइन पर किसी भी वीडियो को लेफ्ट साइड से यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, और आप अगर ऑप्शन प्लस राइट ब्रैकेट को यहाँ पे प्रेस करते हो तो बेसिकली वो राइट साइड का ट्रिम हो जाएगा आपकी टाइमलाइन पे बेसिकली। आपको अगर ये शॉर्टकट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को बेसिकली। और गाइस, आपको अगर ज़्यादा ही कुछ पसंद आ रही होगी तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। थर्ड जो शॉर्टकट की बात करें तो वो है शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और गाइस, इसका क्या यूजेस रहेगा कि यहाँ पे आप अगर फाइनल कट प्रो में शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे अगर प्रेस कर सके हो तो बेसिकली आप अगर किसी वक्त पे यहाँ पे भूल चुके हो कि मैंने पहले कौन सा यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे पहले कौन सा जो क्लिप था उसे एडिट किया था बेसिकली, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जैसे ही आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को जैसे ही प्रेस करते हो तो उसी टाइम पे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जो फोर्थ शॉर्टकट की बात करें तो फोर्थ शॉर्टकट है बेसिकली टिल्ट, यानी कि एक ही जो बटन है उस पर यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे आपका। अगर किसी एक क्लिप को यहाँ पे आपको अगर डिलीट करना है बिना यहाँ पे बैकग्राउंड के, यहाँ पे साउंड के बेसिकली, तो उसे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टिल्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, या फिर टाइमलाइन में सेट करना है अच्छी तरीके से और साउंड को फिक्स जगह पर रह देनी है तो उस टिल्ट बटन से आप कर सकते हो उससे भी बेसिकली सेट। और गाइस, फिफ्थ एंड लास्ट शॉर्टकट की बात करें FCP की, तो बेसिकली जो आप अगर किसी भी तरह की वीडियो एडिट कर चुके हो या फिर किसी स्पेसिफिक वीडियो एडिटिंग क्लिप के लिए कर चुके हो, जैसे कि इफ़ेक्ट्स हो गए, लट्स हो गए, जो साउंड इफ़ेक्ट्स हो गए उसका, उसे सभी के सभी यहाँ पे उस क्लिप का यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कॉपी करके अगर दूसरे क्लिप को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो, साउंड इफ़ेक्ट्स, लट्स एंड कलर ग्रेडिंग्स सब कुछ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो, तो क्लिप पर क्लिक करके कमांड प्लस सी क्लिक करते हो तो बेसिकली आप उस क्लिप के बेसिकली सब कुछ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और आप अगर किसी क्लिप पे सब कुछ ये आपने एडिट किया हुआ पेस्ट करना चाहते हो तो बेसिकली कमांड शिफ्ट प्लस वी आपका जिसे भी क्लिप पर पेस्ट करोगे तो किसी भी क्लिप पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो इस शॉर्टकट को यूज़ करके बेसिकली। यही थे कुछ आज के शॉर्टकट्स बेसिकली। और गाइज, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही आपको शॉर्टकट्स यूजेज में आएंगे आप अगर इस FCP चलाते हो बेसिकली। और गाइज, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।